बहरहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई है सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र पर होगी चर्चा। तो देखिए, केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो देखिए, बजट सत्र की शुरुआत होनी है 23 तारीख से। उससे पहले सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देखिए, संसद का जो मॉनसून सत्र है वो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और ऐसे में जिस दौरान बजट पेश किया जाएगा तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहनी है, किन किन मुद्दों को स्पष्ट रखना है, किन किन, देखिए कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा की जानी होती है। और सर्वदलीय बैठक यानी आप सभी दलों से सहयोग मांगते हैं कि सरकार की जो मंशाएं हैं, सरकार के जो टारगेट्स हैं और वो सब कुछ पूरे हो जाए। लेकिन अब तक जो हम देखते हैं वो यही होता है कि विपक्ष इन बैठकों का बॉयकॉट कर देता है। मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से ये बुलाई गई है। सरकार ने अगले सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। 12 अगस्त को ये समाप्त होगा और 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा, पूर्णकालिक बजट होने वाला है ये, और इसमें कई सारी उम्मीदें जो हैं वो की जा रही हैं। क्योंकि अब देखिए, तीसरा टर्म इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार लगातार ये कहती रही है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और ऐसे में फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और जब बजट पेश किया जाना है तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं। उम्मीदें ये भी हैं कि महंगाई कम कर दी जाए, लेकिन फिर सामने ये भी है कि आपको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो टारगेट अचीव कैसे करना है। तो कई सारे कहा जा सकता है कि चीजें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है और इसीलिए ये सर्वदलीय बैठक जो है ये भी बुलाई गई है ताकि जो सरकार का एम है वो भी पूरा हो जाए देश के लिए और जनता का विकास जो है वो भी बना रहे, महंगाई की मार उन्हें ना झेलनी पड़े। बिल्कुल, खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां स्वाति मालीवाल मारपीट कांड में विभव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो गया है। साक्ष्य जो है यानी कि जो प्रूफ है उन्हें मिटाने का आरोप लगाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस से फिलहाल जिस तरह से जांच की उम्मीद लगाई उसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। तो इस दौरान विभव कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। अदालत ने आरोप पत्र पर विभव कुमार के विरुद्ध समन जारी किया और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि विभव कुमार को 30 जुलाई को पेश किया जाए। तो देखिए, फिलहाल विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। पुलिस ने साक्ष्य मिटाने के आरोप पर भी अब जांच जो है वो शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि साक्ष्य मिटाने समेत 6 धाराओं के तहत 500 पन्नों का आरोप पत्र दर्ज किया। अदालत ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 30 जुलाई कर दिया है और अब उन्हें 30 जुलाई को पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में। उसके बाद ही फैसला आएगा कि विभव कुमार को राहत दी जाए या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ें। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि स्वाति मालीवाल ने किस तरह से यह आरोप लगाया था कि जिस दौरान वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी उनके जो पीए हैं विभव कुमार उन्होंने उनसे मारपीट की थी, बदसलूकी की थी और इस मामले में उन्होंने अपने जो पूरा एक प्रोसीजर रहा, लीगल प्रोसीजर, जब उसके तहत गई तो आरोप जो है वो फिलहाल कहा जा रहा है कि आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने ये जो तमाम आरोप लगाए हैं अब इस पर ये देखना होगा कि आरोप पत्र में क्या उन तमाम आरोपों का जिक्र किया गया है और उन्हें किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि आरोप पत्र सबसे ज्यादा मायने रखता है जब आप किसी भी केस में आरोप पत्र जो है वो दायर करते हैं कि जो पीड़ित है उसने क्या बयान दिया है। और देखिए, अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट और अभद्रता मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी
सहायक वैभव कुमार के विरुद्ध दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। पुलिस ने साक्ष्य मिटाने समेत 6 धाराओं के तहत दायर किया है 500 पन्नों का आरोप पत्र। अदालत ने वैभव की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 30 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है, यानी अब इंतजार 30